डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। भाग 8 अभ्यास संख्या 63। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी के लिए ही नहीं जानी जाती है, बल्कि इसलिए भी जानी जाती है कि विश्व में प्रदूषण मामले में यह तीसरे स्थान पर है। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर होता है। कैंसर के जितने रोगी दिल्ली में हैं, इसका कभी सरकार ने अनुमान लगाया है? यह सब प्रदूषण के कारण हैं। इन हालातों को देखकर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इसको रोकने के लिए कोई दूसरा ईंधन प्रयोग किया जाए। इस कार्य के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने गंभीर विचार विमर्श करके, देश विदेश के दौरे करके अपने सुझाव न्यायालय को दिए। इन सुझावों पर दिल्ली और केंद्र सरकार की राय मांगी गई। इन दोनों ही सरकारों ने सीमित समिति के सुझावों से अपनी सहमति व्यक्त की। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास काफ़ी मात्रा गैस है, हम गैस की कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम निर्धारित समय में बसों, ऑटों, टैक्सी आदि को गैस से चलने योग्य बनवा देंगे। इन दोनों ही सरकारों की बात सुनकर न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि सितंबर के बाद सार्वजनिक वाहन सिर्फ गैस से चलेंगे। वाहन वाले अपने अपने वाहनों को गैस से चलाने योग्य बनाने लगे। कुछ लोगों ने नए वाहन खरीदे लिए और इस तरह से पूरी दिल्ली में गैस से चलने वाले हजारों बस, ऑटो और टैक्सियां आ गईं। इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। इन सरकारों ने अपनी राय देते समय जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा। दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर दोष लगाती रहीं और उसका फल दिल्ली की जनता भोग रही है। पैरा महोदय, आप जानते हैं कि परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही पुल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सड़कें परिवहन के लिए काफ़ी नहीं थीं, इसलिए तो इन का निर्माण किया जा रहा है। परंतु आज आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और आप देखेंगे कि सड़कों पर बसों, ऑटो और टैक्सियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोई बस स्टॉप ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आगे यह लाइन न लगी हो। क्या इससे दुर्घटना बढ़ने की संभावना नहीं है? यह लाइनें मुख्य सड़कों पर ही नहीं, कॉलोनियों में भी लगी दिख जाएंगी।
कॉलोनियों के लोग भी इससे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। पैरा, महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ की परिवहन व्यवस्था सिर्फ एक ही ईंधन पर निर्भर हो। हर देश में परिवहन कम से कम दो ईंधनों पर चलता है। यदि एक ईंधन न मिल पाए तो दूसरे से काम चलाया जा सकता है, लेकिन हमारी दिल्ली तो एक ही ईंधन पर परिवहन व्यवस्था चला रही है। क्या सरकार ने कभी यह भी सोचा है कि यदि कभी गैस नहीं मिल पाई तो दिल्ली का क्या होगा? स्टॉप।